70 के आसपास की बसी हुई है। कुछ पहले यही बसी हुई है। ये बिंदापुर गांव वालों की जमीन थी, उन्होंने बेची थी। बेच करके भी उस वक्त जिसके पास पैसा था उसने ले लिया, बाकी किराए रहे 10-5 साल, दो दो पैसे बचा करके बच्चों के पेट से। जब ये 100-100 गज के किसी ने 50 गज ऐसे जो पता है। सब फोड़ दी, अब गेर दी, अब भिगोंगा, फिर मैं ढहेंगा इसको, फिर भीतर लगाऊंगा, जब इसमें से बर्तन बनेगा तब इसको रंगेंगे, फिर रंगेंगे, जब भट्टी में पकाएंगा, जब नीचे निकालेंगे। पहले हम झुग्गियों में अपना जो भी गुजर बसर की दादा परदादा के ज़माने से, फिर उसके बाद अपने मकान बनाए खरीद के, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लॉट खरीदे 1973 में। तब से हम दादा परदादा के ज़माने से पढ़े भी लिखे भी, लेकिन हमें यही काम अच्छा लगा। अब लोग इस काम से नफरत करने लगे हैं, बच्चे आजकल के बच्चे इस काम को पसंद नहीं करते। आजकल के बच्चे तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते बच्चे, कहते कि हमें तो अच्छा ही नहीं लगता ये काम। अब हम लोगों ने सीख लिया उस ज़माने में उनके साथ रह के, अब हमें कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता। अब हमें कोई 500 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी देगा बाहर जाएंगे, ये इतना ही हमने काम किया, ये 3000 2000 जितना भी है हम उसमें खुश हैं। इसमें यानी कि जितना करेंगे उतना पाएंगे, आगे चल के ख़त्म ही होगा, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि गरीब आदमी के अलावा बड़ा आदमी तो कोई ख़रीदता नहीं है, या दुकान वाले ख़रीदते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री लेवल के आदमी हैं वो घड़े को यूज में लेते हैं, बाकी कोई आदमी यूज में नहीं लेता, या झुग्गी झोपड़ी वाले यूज में लेते हैं इसमें। बड़े लोगों के घरों में तो सबके फ्रीज होते हैं, कोई डॉक्टर बोल देता है तो भाई घड़ा ले लेना, घड़े का पानी पीना है, नहीं वरना कौन खरीद रहा है घड़ा। इस साल तो बहुत मंदा है, अभी तक एक भी घड़ा नहीं बिका, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा के कारण माल ही नहीं बिक पा रहा, सब लोगों का यही हाल है।
बचपन में भी झुग्गी देखी थी और आज भी झोपड़ी के नीचे ही। बढ़िया मकान होते सोते भी सारा दिन यहीं पे निकल जाता मिट्टी के काम के लिए, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं पाते। ये काला कलर है, पहाड़ों से आता है, और ये लाल कलर भी पहाड़ों से आता है, और ये तो सफ़ेद कलर मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। ये खड़िया बोलते हैं इसको। पत्थर है ये, इसको पीसना पड़ता है मसाला की तरह बारीक।